सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वर चरण कमलो शरणम प्रपद्ये। भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करते रहता है और इस चिंतन में उसके वे प्रभु उसे अनेक अवस्थाओं में भाव के विभिन्न स्तरों में अनेक रूपों में दर्शन देते रहते हैं। लेकिन इन सभी रूपों में एक बात तो निरंतर एक सी ही रहती है और वह है भगवान का अद्भुत सौंदर्य। प्रभु तुम मदन मनोहर धाम, वे कितने सुंदर है, कोटि मनोज लजाव निहारे, ऐसा वर्णन उनका संतों ने किया। कोटि कोटि कामदेव भी जिनके सामने लज्जित हो जाते हैं, ऐसे वे प्रभु कभी भगवती राधिका जी के श्याम के रूप में, तो कभी भगवती रुक्मिणी जी के कृष्ण के रूप में, तो कभी भगवती जानकी के सीता जी के राम के रूप में प्रतीत होते हैं। विभिन्न रूपों में प्रतीत होने वाले, दर्शन देने वाले उन भगवान का वर्णन करते हुए श्री महाराज कहते हैं, चाहे जितने ये रूप हैं, एक बात तो मैं निरंतर अनुभव कर रही हूँ और वह ये कि सारा सौंदर्य आप में है और यह सौंदर्य कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाला है। इसलिए भगवान के उस लावण्य का, सौंदर्य का, उस आस्वाद्य रूप का निरूपण करते हुए महाराज भगवान से ही निवेदन करते हैं, प्रभु तुम मदन मनोहर धाम। प्रभु तुम मदन मनोहर।
हर